वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब, पहले हमें ज्वाइन किया है आयशा शराफत साहिबा ने। बेसिकली शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर और कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग की फील्ड से ये जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स के साथ भी इन्होंने काम किया और IVLP के लिए ये स्टेट डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप अमेरिका गई और अब अपना एक होम बेस्ड वेंचर भी इन्होंने स्टार्ट किया है। वेलकम टू द शो आयशा। और जनाब, इनके साथ मौजूद है हमारे पास एक कानूनदान, जिन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, अनुष शेगन, CEO एडिटर हैं द कोर्ट एंड द लॉ, एक फर्म है, और एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, टेक्नोलॉजी लॉ एक्सपर्ट हैं और जेंडर जस्टिस एडवोकेट हैं। इसके अलावा रिसर्चर भी हैं और आज हमारे साथ हमारे शो में भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अनुषे। तो सबसे पहले आयशा, आप एंटरप्रेन्योर हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत फोकस करती हैं, सो एक्चुअली आप जिस प्रोग्राम पर गई, किस तरह आपके विजन्स को हेल्प किया उसने? Well, it was very coincidental actually. The theme of my program was women in entrepreneurship, and I was not an entrepreneur at the time, but I'd worked with a number of startups. And the women empowerment angle actually comes from a very personal purpose and direction in life. So anywhere I'd go, I'd just sort of maneuver my way around, you know, incorporating my purpose into my work. And that just sort of became a theme for my professional, my career. And in 2018, I believe, I was nominated for IVLP due to my work with entrepreneurs and my efforts for women empowerment. But up until this year, I was a corporate employee myself. सो जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो कदम है वो बहुत रीसेंट है एक्चुअली। इसी साल मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ को बाय बाय बोलना चाहती हूँ और अपना कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। बट काफ़ी एक हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में एक स्टेडी इनकम है विच इज़ यू नो ऑन अ मंथली बेसिस। व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अपना जब आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती, एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग पीरियड। सो या, इट वाज अ रिस्क दैट आई टुक और आई बिलीव कि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उस नेटवर्क, उस ग्लोबल नेटवर्क से मिली थी ख़वातीन की, जो जिसको मैं IVLP के थ्रू आई वाज एक्सपोज्ड टू इट। सो देयर वर वुमेन फ्रॉम अराउंड 20 डिफरेंट कंट्रीज़ जो सारी किसी न किसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड से मुंसलिक थी, या वो काम कर रही थी एंटरप्रेन्योर्स के साथ, या वो खुद एंटरप्रेन्योर्स थी, या वो ऐसी मिनिस्ट्रीज में थी जो सपोर्ट कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप को। एंड दैट बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर मी ऑनेस्टली, जस्ट सॉर्ट ऑफ गेव मी द करेज टू टेक दैट रिस्क फाइनली। बिल्कुल, एक एक्चुअली एक बूस्ट ही चाहिए होता है, जो ट्रिगर चाहिए होता है, सो आई यू एक्चुअली गॉट दैट। अच्छा अनुषे, सो बेसिकली आप लॉ से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे कानून और इंसाफ थोड़ा पेचीदा है इसलिए कि हसूल मुश्किल हो जाता है। सो जब आप बाहर गईं, सो वो क्या डिफरेंस एक आपने देखा जो सोचा कि मैं आके कोशिश कर सकती हूँ अपनी कैपेसिटी में वो चेंज करने की? Thank you, Ikra. So, I was part of the American Council of Young Political Leaders to exchange program tha. It's a nomination-based program. To nominate kiya tha yahan pe US Embassy ne, aur correspondingly the US Embassy in Delhi, and obviously the one in States. और यहाँ से चार लोग और वहाँ इंडियन चार पॉलिटिशियंस, और वो प्रोग्राम इतना सेट किया था कि ये लोग आपस में भी एक दूसरे से सीखें और जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं वहाँ से भी कुछ सीखें और आपस में एक तरीके से कोलैबोरेट भी करें। तो वो लॉ पॉलिटिक्स का ऐसा एक मिक्स बन गया था कि हमें वहाँ पहले भेजा गया वाशिंगटन DC में थोड़ी सी ट्रेनिंग के लिए ऑन इलेक्शंस, और वहाँ पे हमें डिफरेंट इलेक्शंस की चीज़ें सिखाई गई, कैंपेन फाइनेंस, डिजिटल कैंपेनिंग और इन ऑल ऑफ दैट। मतलब एज अ लॉयर तो ये हम चीज़ें सारी पहले पढ़ चुके हैं बुक्स में, और वो तो थे ही इलेक्टेड पॉलिटिशियंस जो दूसरी साइड से थे,
तो थियोरेटिकली हमें सब इन चीज़ों का अंदाज़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली टू सी दैट एट सच अ ग्लोबल लेवल, हमें जब भेजा गया था तो उस वक्त US का इलेक्शन हो रहा था 2016 में, तो हमें एज ऑब्जर्वर्स भेजा गया था और वहाँ जाके फिर हमें जिस स्टेट में भेजा गया वहाँ पे एज डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपॉइंट कर दिया गया. सो दैट वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड बट वेरी ऑनर्ड दैट दे डिड दैट फॉर अस. तो वहाँ पे फिर हमें डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलवाया गया, डिफरेंट पार्टी के लोगों से मिलवाया गया, और एक तरह से आपको पता तो होता है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह चलती हैं, बट टू प्रैक्टिकली सी दीज थिंग्स इन एक्शन, दैट वाज समथिंग वेरी कमेंडेबल टू सी. और एज इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी हमने देखा कि किस तरह लॉ फॉलो कर रहे हैं, किस तरह पोलिंग स्टेशंस की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो रही हैं, इलेक्शन कैंपेन्स कैसे कंडक्ट हो रही हैं, वहाँ मतलब जैसे 20-20 मिनट की जलसे हो रहे हैं, एंड देर लाइक वेरी टाइम्ड एंड वेरी प्रॉपर एंड फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो वही एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान में देखा जाए, जहाँ तक लॉ एंड पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, वो इसी तरह है कि देर इज़ अ लॉट more to be done. बहुत सारी improvements हो सकती हैं यहाँ पर भी. जो एक main जो चीज़ I would say जो highlight होनी चाहिए और जो I think something very negative that I would like to point out is कि polarization बहुत ज़्यादा हो गई है. लोग ये भूल जाते हैं कि elections और politics और ये इन सारी चीज़ों के बाद like we're still citizens at the end of the day, और हमने अपने साथ justice at the end of the day तभी होगा जब हम as a community behave करेंगे और as a community साथ रहेंगे और coexist करेंगे. So that was something that was very you know a highlighting point for me. अच्छा मुझे ये बताइए आयशा कि आपने चूँकि ग्लोबल नेटवर्क एक फॉर्म हो जाता है ना जब आपका आप कनेक्टिविटी हो जाती है, सो जब आप अपना वेंचर अब आपने स्टार्ट किया है, वो कौन सी हर्डल्स हैं जो आप समझती हैं कि ओवरकम करनी है और कलेक्टिवली बहुत सारी ख्वातीन को वो देखनी पड़ती है? एक्चुअली आई वुड लाइक टू गो बैक टू माय प्रोग्राम IPOP. व्हेन वी वेंट देयर हमें बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह से भी मिलवाया गया, और क्योंकि थीम ही वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप थी, तो उनकी कोशिश थी कि वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन ने जो छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए थे उनसे मुलाकात की जाए. तब वहाँ पे जब बात होती थी उन ख़वातीन के साथ, तो पता चलता था कि किस तरह से उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कुछ फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से उनको लोन्स वगैरह के सिलसिले में उनको कंस्ट्रेंट्स फेस करना पड़ते हैं, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अगर वो जाती हैं तो उनको किस तरह इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती फ़र्स्ट हैंड कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, एट्सेट्रा. अब जब पाकिस्तान में मैंने ये स्टार्ट किया है वेंचर, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़, जो चैलेंजेस हैं, वो सिमिलर हैं. अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन को यहाँ पर फ्रॉम अ वेरी यंग एज फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती. ये नहीं बताया जाता कि इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग क्यों ज़रूरी है, अगर आपने कल को अपना कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे, किन किन किस तरह का आपका नेटवर्क होना चाहिए, किन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेल्प. मुझे तो ऑलरेडी 10 साल हो चुके थे एज अ प्रोफेशनल, सो थैंकफुली आई हैड दैट नेटवर्क. सो प्रिलिमिनरी अगर मुझे किसी से कोई डिस्कशंस करनी थी, मुझे बिकॉज़ आई हैव अ फूड वेंचर, तो पैकेजिंग वगैरह का भी मुझे कुछ काम था उसमें, तो किन लोगों को अप्रोच करना था, मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन किसी हद तक अवेलेबल थी, बल्कि काफ़ी हद तक अवेलेबल थी. बट मैं सोचती हूँ उन ख़वातीन के बारे में जो हु हैव नॉट हैड अ करियर एज सच, बट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ स्किल जो वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं टू टर्न इट इनटू अ लुक्रेटिव बिजनेस, राइट. अब वो घर पे बैठी हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने स्टार्ट किधर से करना है. सो आई फील दिस इज़ अ चैलेंज दैट इज़ फेस्ड अक्रॉस द बोर्ड. और अगर हम किसी तरह ये अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन सिस्टम्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, कि ख़वातीन को बताया जा सके कि किस तरह नेटवर्किंग हेल्प करती है आपको, किस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प अ लॉट. एंड स्पीकिंग ऑफ IVLP एंड दिस नेटवर्क ऑफ वुमेन,
मेरी एक कॉलीग हैं IVLP की जो कि इटली में बेस्ड हैं. सो वेरी रिसेंटली हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक्चुअली काम करना चाह रहे थे फॉर बोथ इटली एंड पाकिस्तान रिलेटिंग टू वुमेन, कि उनको ये फाइनेंशियल एजुकेशन एक स्कूल लेवल के ऊपर स्टार्ट की जाए. आई थिंक इफ द पॉलिसी मेकर्स कैन लुक इन टू इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया. ऑलरेडी स्टार्टअप्स बडिंग हैं, द इकोसिस्टम इज बडिंग इन पाकिस्तान. बिल्कुल सही. अच्छा, आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर भी हैं, सो फोकस आपका किन ह्यूमन राइट्स इशू पे ज़्यादा रहता है? सो इकरा, ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो देर आर डिफरेंट जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स होती हैं वो देर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्सन, उसकी राइट टू लाइफ, नो राइट टू लिविंग. तो इट्स लाइक अटैच टू वेरी बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. फिर आगे सेकेंड जनरेशन राइट्स आ जाती हैं, थर्ड जनरेशन राइट्स, वो कम्युनिटी राइट्स हो जाती हैं, जिस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या राइट टू वाटर या राइट टू एनवायरनमेंट भी अब वो देखा जा रहा है, वो भी एक ह्यूमन राइट बन चुकी है. फोर्थ जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स होती हैं उसमें आपकी डिजिटल राइट्स आ जाती हैं, जो आपकी ऑनलाइन स्पेसेस में जो आपको राइट्स अवेलेबल हैं. सो ऑल ऑफ दैट एनकंपसेस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स. जो इंटरनेशनल वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि यू मे नॉट बी वर्किंग डायरेक्टली विद समबडी ऑन देयर ह्यूमन राइट्स केस. आप किसी इंडिविजुअल या किसी एक पर्टिकुलर केस पे आप काम नहीं कर रहे, वो ये होता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने जो ट्रीटीज साइन की हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी हमारी कंट्री ने जो ये ट्रीटी साइन की थी UN में या इस तरह EU के साथ, उस पर हमने इतना काम कर लिया है और ये हमारा प्रोग्रेस है. और उसकी बेसिस पे फिर उस प्रोग्रेस की बेसिस पे फिर वो एड फिर प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ एड की और ज़रूरत है, या फिर वो दूसरी जगहों पे हो सकता है कि उन्होंने कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हों. जैसे GSP+ स्टेटस एक होता है, वो एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो पहले ये देखते हैं कि ये कंट्री ह्यूमन राइट्स में किस तरह की है. उनका आपस में डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये देखते हैं कि अगर हम आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देख रहे हैं, आपका ह्यूमन राइट्स का क्या स्कोर है. तो वो ये भी चीज़ें सारी देखी जाती हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में. तो ये ज़्यादा काम गवर्नमेंट लेवल पर होता है. सो कितना सपोर्टिव है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर? बिकॉज रिकॉर्ड होना चाहिए, फिगर्स होनी चाहिए एक्यूरेट. सो पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक्यूरेसी कितनी मिल जाती है इन फिगर्स में? सो लाइक आई वुड से ऑल दीज NGOs दैट आर वर्किंग, उनकी तो कोशिश होती है कि यू नो दे कम अप विद एज मच डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स एज पॉसिबल. कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ NGO स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं. उनका मकसद यही होता है कि जो प्राइमरी डेटा है उसको सेकेंडरी रिसर्च में किस तरह लेके आए और फिर उसको एनालाइज किया जाए. तो एज फार एज जेंडर राइट्स केसेज आर कंसर्न एंड मोस्ट ह्यूमन राइट्स केसेज माइनॉरिटीज़ के हो गए किसी के भी, ये है कि उनकी रिपोर्टिंग बहुत कम है अभी भी. जो लोग कह रहे हैं ना कि अच्छा औरतों के ख़िलाफ़ केसेस बढ़ गए हैं, क्या हो गया है सबको, आप इस पर्सपेक्टिव से भी देखें कि शायद इट्स अ डिफरेंट थिंग कि औरतों ने अब बोलना ज़्यादा शुरू कर दिया, अब रिपोर्टिंग ज़्यादा शुरू हो गई है, पुलिस के पास ज़्यादा रिपोर्टिंग हो गई है या ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के पास ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं या सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक ह्यूमन राइट्स सेल है डायरेक्टली जहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो रिपोर्टिंग भी बड़ी है और केसेस भी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ गई हैं, जैसे ऑनलाइन स्पेसेस हैं वहाँ की डायनामिक्स बहुत फ़र्क हैं. सो वो फिर पूरा उसका एक कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है इन चीज़ों का. सो रिपोर्टिंग इज़ गेटिंग बेटर बट इट्स स्टिल वेरी वेरी लो. बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे ये बताएगा आपका जो होम बेस्ड फूड वेंचर है, इसका आइडिया कैसे आया? बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग और कम्युनिकेशन साइड. एब्सोल्युटली. सो देयर इज अ वेरी अनकन्वेंशनल रूट टू दिस. आई बेसिकली मैरिड अ शेफ एंड आई एम समबडी हु हैज नेवर हैड अ पेंशन फॉर कुकिंग. मैं मुझे बिल्कुल कोई किचन से लेना देना नहीं था, पूरी ज़िंदगी खाना बनाने का शौक नहीं था, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरी शादी एक शेफ से हो गई. सो उन्होंने, उनका एक रेस्टोरेंट था जिसमें आई गॉट इन्वॉल्व्ड. हिज पैशन वाज फॉर कुकिंग और मैं क्योंकि स्टार्टअप्स वगैरह के साथ काम करती रही थी तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इन द बिजनेस ऑपरेशंस एंड ऑल राइट. तो फॉर मल्टीपल रीजंस वी कुडंट गो अहेड विद द रेस्टोरेंट दैट वी हैड टू शट इट डाउन. लेकिन अब
ऑलरेडी एक हम उस बिजनेस में थे, फूड से रिलेटेड बिजनेस में, तो आई डिसाइडेड कि हम इसी को आगे वेंचर आउट करते हैं एंड एक अपना होम बेस्ड शुरू करते हैं लेबल दैट वी कैन स्केल अप लेटर ऑन. ठीक है, सो उस पे अब आप कुकिंग सीख भी रही हैं और जस्ट यस. सो एक्चुअली बिकॉज आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके सारे इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या चाहे वो फूड्स से रिलेटेड बिजनेस है. तो बिकॉज नाउ इट्स सॉर्ट लाइक माय ओन बेबी, आई हैव टू गेट टू नो द नेटिग्रिटीज ऑफ इट, तो मुझे अपने हस्बैंड से सीखने को मिलती हैं. ठीक है. अच्छा अनुश्री, आप चूँकि टेक्नोलॉजी लॉ एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी होता है और यूजर्स से कहीं ज़्यादा होता है, सो एक्चुअली यहाँ पर कितनी अवेयरनेस है इन लॉज के हवाले से? सो इकरा, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सबसे पहले तो देर स्टिल इन देर वेरी न्यू स्टेजेस, वो बहुत रिसेंटली बनाए गए हैं. जो जिस तरह ऑनलाइन स्पेसेस को गवर्न करने के लिए, सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए एक पुराने टेलीग्राफ एक्ट और इस तरह की चीज़ें चल रही थी विच वर नॉट इनफ टू कवर ऑल दीज थिंग्स. तो जिस तरह साइबर क्राइम के लिए अलहदा से लॉ बनाया गया, उस लॉ की अपनी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं और लाइक बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी हैं, बहुत इम्प्रूव भी हो सकती हैं चीज़ें. लेकिन ये बात ये है कि बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल यूजिंग दीज थिंग्स, उनको आप सारों को नहीं एक्सप्लेन कर पाए अभी तक कि दिस इज़ द फ्रेमवर्क दैट यू आर सपोज टू वर्क इन. सो इसी वजह से ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ क्राइम्स दैट हैपन इन ऑनलाइन स्पेसेस. और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए साइबर क्राइम की, तो ख़वातीन के स्पेसिफिकली उनके केस में जो है वो मसला यही है कि अ लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट इवन अवेयर कि ये एक चीज़ गलत हो रही है. तो अगर कुछ भी गलत होता है तो देयर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज़ के वो खामोश हो जाएं या अकाउंट्स बंद कर दें. आपने देखा होगा डीपी की जगह किसी फूल की तस्वीर लगा दें या इस तरह कर लें, तो देयर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स. और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो ही जाता है एंड दे वांट टू कंप्लेन, कोई हरासमेंट हो गई या स्टॉकिंग किसी ने करनी शुरू कर दी या बुली हो रही हैं, और इफ़ यू गो टू द अथॉरिटीज़ एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वहाँ पे भी जो है अभी उस तरह की जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है. एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट द फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम दीज वुमेन, कि द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड. बिकॉज विक्टिम ब्लेमिंग की भी कंप्लेंट्स हैं, तो वो पहले पूछते हैं अच्छा आप क्या कर रही थी, क्या पहनना हुआ था, क्या हो रहा था, किससे बातें कर रही थी, इतनी रात को किसको मैसेज कर रही थी, इस तरह की चीज़ें. फिर अगर किसी की तस्वीरें लीक हो जाएं या इस तरह हो जाएं, तो ऑब्वियसली उनका जो लड़कियां हैं यंग गर्ल्स स्पेशली, उनका ये होता है कि हमारी फैमिलीज़ को ना बताएं. फैमिलीज़ को नहीं बताएंगे तो फिर मतलब आप किस तरह जाके स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे अपना केस आप कैसे प्लीड करोगे. तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक स्कूल्स में एक्सप्लेन करनी चाहिए लोगों को, ये करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही. अच्छा आशा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेसिफिकली ट्रेंड करने के हवाले से कोई फैसिलिटी मौजूद है, और अगर नहीं है तो किस लेवल पे होनी चाहिए? आई थिंक थोड़ा सा अब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कुछ इंक्यूबेटर्स वगैरह खुलते हैं, कुछ सर्टेन इंक्यूबेटर्स हैं जो स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं. मगर मेरा ख्याल है कि स्किल बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, शायद एवेन्यूज़ उस हिसाब से अभी नहीं है. गवर्नमेंट के लेवल पे अगर कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो स्पेशली यू नो फोकस्ड ऑन टुवर्ड्स फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे उनके लिए लोन्स वगैरह लेना आसान हो, जहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस तरह चेंबर ऑफ कॉमर्स है, मगर बहुत सारी खवातीन को उसका भी पता नहीं है, राइट? सो एवेन्यूज़ का पता ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस. सो मे बी वो मैसेजिंग भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे उनको एटलीस्ट बताया जाए कि आपके पास क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वेदर देर आर दोज आर इंक्यूबेटर्स और द चेंबर ऑफ कॉमर्स या गवर्नमेंट के अपने कोई और इनिशिएटिव्स. उनको एटलीस्ट बताएं कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ सकते हैं, आपको क्या हेल्प अवेलेबल हो सकती है. सेकेंडली आई फील एज दो वो खवातीन जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काफ़ी अरसे से अपने बिजनेसेस चला रही हैं,
if they could also come together and maybe you know make small platforms for other women unko uplift karne ke liye ya thoda sa apne aap ko approachable bana le you know apne social media handles use kare apne linkedin profiles use kare aur khud thoda reach out karne ki koshish kare young ladkiyon ko ki agar unki koi is tarah ke dreams hain aspirations hain तो वो उनसे एटलीस्ट कोई मेंटरशिप ले सकें सो परहैप्स मेंटर एंड मेंटी प्लेटफॉर्म्स वुड आल्सो हेल्प तो जनाब इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे और अब चलेंगे एक ब्रेक की जाने पर ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।